हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऊन से बहुत सारे कलर को मिलाकर सुंदर सा पैदान बनाएंगे। इसमें मैंने दो स्टिच का यूज़ किया है, पफ स्टिच और सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें टाइम भी कम लगता है। इस डिज़ाइन की मदद से आप टेबल मैट बना सकते हैं, कप रखने के लिए आप कोस्टर बना सकते हैं, टीवी का कवर, या फिर पूजा के लिए आप आसन बना सकते हैं, या फिर आप बेड के नीचे रखने के लिए सुंदर सा पैदान बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ऊन का कलर जो है हम अपने पसंद के हिसाब से लेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे कलर का ऊन को मिलाकर बनाया है। अगर आपको एक कलर का या फिर दो कलर का पसंद है तो आप वैसा भी बना सकते हैं। क्रूस का साइज़ मैंने 4 mm लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैन तैयार करेंगे। चैन का जो लंबाई है हमें जितना बड़ा रखना है उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। यहाँ मैंने 60 चैन का पैदान तैयार किया है। पूरा बनने के बाद इसका चौड़ाई जो है 13 इंच और लंबाई जो है 18 इंच हो जाता है और बॉर्डर जो है मैंने 1 इंच का रखा है। फ्रेंड्स, आपको जितना बड़े साइज़ का बनाना है उसी के हिसाब से आप चैन लीजिए। पहले हम 60 चैन तैयार करेंगे। इस तरह से ऊन को हम हल्का ही पकड़ेंगे। ये हमारा टोटल 60 चैन तैयार हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा एक चैन इस तरह से लेंगे और अब हम सिंगल क्रोशिया स्टिच तैयार करेंगे। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को इस तरह से डालेंगे और उनको अंदर की तरफ खींचते हुए हम 2 का 1 कर लेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हम पूरे चैन में बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यह डिज़ाइन धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। हमारा फर्स्ट लाइन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम एक चैन लेंगे और इसे हम पलट देंगे और दूसरे तरफ हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। क्रूस को हम इस तरह से फर्स्ट वाले चैन में डालेंगे और फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम सेकेंड वाला लाइन भी कंप्लीट करेंगे। हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया है। अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे और हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर लिया है। ऊन को हम इसमें डालेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। क्रूस को हम इस तरह से डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ खींचते हुए हम इसमें एक चैन लगा देंगे। हमारा एक चैन तैयार हो गया। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ हम डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हम एक चैन लगा देंगे। क्रूस में हम फंदे को लेंगे और फर्स्ट वाले चैन में हम इसे डालेंगे और निकालेंगे। इस तरीके से हमें 4 टाइम्स करना है। फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड, ये हमारा 3rd और ये 4। अभी हमें सबको एक साथ लॉक कर देना है।
अब इसमें हम एक चैन लगा देंगे तो हमारा जो है स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे, एक चैन को छोड़कर हम दूसरे चैन में फिर से हम बनाएंगे। तो हम क्रूस में फंदा लेंगे और हम दूसरे वाले चैन में 4 टाइम्स करेंगे। एक हो गया हमारा, 2, 3 और ये 4। तो ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। अभी हम सबको लॉक कर देंगे इस तरह से, फिर हम इसमें एक चैन लगा देंगे। बस हमें इसी तरीके से एक एक चैन छोड़ करके बनाते जाना है। हमारा पफ स्टिच जो है तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आप यह स्टिच एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, जितना लंबा हमें रखना है उसी हिसाब से हम बनाएंगे और हमें जो भी कलर का ऊन पसंद है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर को ऐड करेंगे और फिर जैसे हमने पहले बनाया था सेम हम दूसरी तरफ से भी बनाते जाएंगे। अब हम इसमें एक चैन लगाएंगे और फिर हम दूसरी तरफ इस तरह से पलट देंगे और फिर से हम एक चैन लगाएंगे। क्रूस में हम फंदा लगाएंगे और 2 स्टिच के बीच में हम इस तरह से बनाते जाएंगे। हमारा 1 हो गया 2 3 और ये 4। अभी सबको एक साथ लॉक करके एक चैन लगा देंगे और फिर से हम नेक्स्ट 2 स्टिच के बीच में हम फिर से बनाएंगे। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे जितना लंबा हमें रखना है। हमारा पायदान जो है तैयार हो गया है। इसका लंबाई मैंने 18 इंच रखा है। अगर आपको इसका लंबाई जो है बढ़ाना है तो अभी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्रूस की मदद से जो एक्स्ट्रा साइड का जो ऊन है जो हमने बांधा था उसको हम एक साइड इस तरह से पुल करके इसे हम अच्छे से बांध करके कट कर लेंगे। इसके बाद हम साइड का बॉर्डर तैयार करेंगे। इसी तरीके से पहले हम साइड का
जो ऊन है इसे हम निकाल देंगे और फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। किनारे साइड में हम क्रूस को इस तरह से डालेंगे और ऊन को हम खींचते हुए अंदर की तरफ लेंगे और इसे हम अच्छे से बांध देंगे और यहाँ से हमें बॉर्डर बनाना है। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। हमें सिंगल क्रोशिया स्टिच जो हमने पहले बनाया था वही सेम बनाना है। क्रूस को हम इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। फिर से हम क्रूस को अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर निकाल के दो का एक कर देंगे तो हमारा सिंगल क्रोशिया जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हम किनारे पूरा बनाते जाएंगे। क्रूस को अंदर की तरफ इस तरह से डालेंगे और ऊन को बाहर करेंगे, फिर दो का एक, तो इसी तरीके से हम पूरा बनाते जाएंगे। ये हमारा एक साइड हो गया है, दूसरा साइड भी इसी तरह करेंगे, फिर हम तीसरा साइड भी इसी तरीके से करते जाएंगे। ये हमारा तीसरा साइड जो है बन गया है। अब हम फिर से एक चैन लेंगे और इसे हम पलटकर दूसरी तरफ से फिर से एक लाइन और हम बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने बॉर्डर जो है 1 इंच का तैयार किया है। अगर आपको इससे थोड़ा मोटा रखना है तो आप 1.5 इंच का या 2 इंच का बना सकते हैं। ज़्यादा मोटा बनाना है तो बस हमें जो साइड का लाइन है इसे हमें बढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स हमारा सुंदर सा पैदान तैयार हो गया है। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आशा करते हैं कि आपको यह डिज़ाइन मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।